15-16 बंदे टाड़ा हैं, निकल कम से कम बच्चे ऐ ढंग से मेरे को इन्ना दे मेरा गुजारा। मेरे बच्चे इधर से उन्होंने मैं वाशरूम भी बंद कर दिया, मिसेज नूं बेटी नूं, ते इन्ने तक उन्होंने मेरा गेट भी तोड़ लिया। उन्होंने आंदे ही मैनू मारना शुरू कर लेता, वो मैंने बेडरूम लै गए, जो जो उन्हें लभ्या वो लाकर चो उन्हें कढ़ लिया। फिर उन्होंने फायरिंग, उन्हें बहुत फायरिंग की थी, तो पुलिस का हुटर तो मैं खुद सुनया, पुलिस तो आ गई वक्त है, लेकिन इस एरिए नहीं पहुँचे। बुआ खलवाने नहीं सुन के खोलो, ये तो मारने सन जनाब, भी बंदे सन, लत्तां मारने सन, कोई हथियार इस्तेमाल करने सने, या कोई थोड़ा सी या कुछ भी सी। तुसी जाके देखोगे तो उन्होंने इतने इतने मजबूत दरवाजे लोहे वाले जड़े ने ना, उन्होंने उड़ा के रख छड़े। छोटा भाई आया, वो पौड़ियाँ चढ़ के ना तो देखे, उस टाइम कोई शायद नजर नहीं आई, कणक के अंदर लेट गए सन, वो कणक भी डिगी हुई उतनी। फिर दूसरी बार जिसल कुत्ता भौंक गया, उस टाइम फिर उत्ते गए, अगर जनाब अली तकरीबन 11 बंदे बैठे हुए, वो बैठे हुए सन, उन्हें आखिया वो तुम थके कर रहे हो, वो जितने इतनी गल आई है उन्हें दोबारा छालियाँ तो अंदर। दो बंदे उपर चढ़ा इन्हों ने इतने पकड़ लिया, तो फिर इतने लिया के मैं इतने सट छड़ा चरपाई, तो अंदर आ गए इतने, घर आलिया दरवाजा खोलिया थोड़ा जहा, फिर घर आलिया ने थोड़ा शोर करके फिर एकदम थोड़ी जी कुंडी लगी है, तो उन्ना ठुड्डा मारिया, फिर दरवाजा खुल गया। असी तो इतने परेशान हैं, धी का इन्हें गया, मेरी का है जेवर, उसने मकान पट्टे, लोग कह पता नहीं प्यो नहीं इन्हें बेच के खा गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, थाना सदर सराय आलमगीर की हदूद में गुज़िश्ता रात डाकुओं ने उधम मचाए रखा। मुख्तलिफ देहातों में 18 से 20 डाकू जो मुसल्ला थे, वो मुख्तलिफ घरों में दाखिल होते रहे और घरों का सफाया करते रहे। अभी इस वक्त हम उन्हीं देहातों की तरफ चलते हैं और जाकर उन्हीं मुतासरा लोगों से बात करते हैं और ये जानते हैं कि ये सारा वकुआ कैसे अंजाम दिया गया। मेरे नाल वकूआ इस तरह पेश आया कि मेरे छोटे भाई का गेट तोड़ रहा सी, मैं बाहर निकलिया तो मैं आवाज़ दी कौन है, इतने तक देखा कि वो बंदा गन लैके सामने खड़ा सी, तो उन्होंने मैं थोड़ी जी ना चालबाजी की, मैं यार ये घर से कुछ नहीं, तू आ जा असं तेन देने। मैं जल्दी ना अंदर जाके अपने गेट तो मेरा अगे लाख से, मैं अपना हाल और कुंडियाँ वुंडियाँ ला के सेफ कर लिया। मेरे बच्चे अंदर से उन्होंने मैं वाशरूम भी बंद कर दिया, मिसेज नूं बेटी नूं, तो इन्ने तक उन्होंने मेरा गेट भी तोड़ लिया, दरवाज़ा भी तोड़ के अंदर आ गए। अंदर आते ही वो कन्फर्म बात है 8 to 9 बंदे से, सेम एक ही फजीक दे विच, सेम एक स्टाइल विच, एको जे ड्रेस उन्होंने मूँह च पाए हुए थी चादर के नाल, तो उन्होंने आंदे ही मैनू मारना शुरू कर लेता, भी दसो फलां चीज़ कितने पी है, फलां कितने पी। वो मैंने बैडरूम लै गए, बैडरूम जाके जो 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 उन्हें लभ्या लाकर चो उन्हें कढ़ लिया, तो बाकी फिर मजीद मैंने कहने जी कटो फलां फलां कितने फलां फलां, जो कुछ मेरे को मेरी कैश से जेवर से जो जो मिलता रहा वो लेंदा रहा, मेरा वॉलेट उसने ले लिया, वॉलेट उन्हें पैसे कढ़ ले, तो दूसरा मोबाइल तो आते ही उन्हें मेरे को पहले खोलिया ने, उस तो बाद वारदात करके मैनू मेरी पूरी फैमिली दरवाजे एक कमरे लाग कर दिता उन्होंने, और मैंने कहने जी अगर तुम बाहर निकले तो फायर मार देवे। फिर उन्होंने फायरिंग ला तादाद फायरिंग जी तो एविडेंस मिलते हैं, तो उन्हें बहुत फायरिंग की, पुलिस तो आ गई, पुलिस जो मैनू अंदर टारगेट कर रहे थे, चीज़ा खो रहे थे, तो पुलिस का हुटर तो मैं खुद सुनया, हाँ जी पुलिस तो आ गई वक्त, लेकिन इस एरिए जाए वकूआ तो नहीं पहुंचे हो। ठीक है, वारदात करके फिर तुम्हारे घर आए ने? जी हाँ, ये बाहर निकल आए ने, इतनी देर न पुलिस सायरन चल गए असी, फिर वो तो छोटी जी दीवार का जोड़ा ना उन्होंने सहारा मिले, उत्थे चढ़ के उपर गए ने, फिर साढ़े लड़किया ने जिन्हें जोड़ा ना उतो उन्होंने कन्वरसेशन भी हुई है, लड़किया ने भी वार्निंग की, इन्ना को जवाबी वार्निंग की है कि हट जाओ इतनी, फिर थले टले ने टॉर्चा मारिया ने, वार्निंगा दित्तियां ने जी खोलोगे दरवाजे तो ठीक है, नहीं तो असं तुम्हें जोड़ा ना मार देंगे, असं नहीं फिर जोड़ा ना बच्चों भी मैं जी अंदर हो जाओ, अंदर रूम में हो जाओ एक जगह, तो मैं करके ना लॉक करके मैं हम बह जाओ, बस वो गला किया, फिर बच्चे भाई अपने अगे पिछे ही वो सारे इकट्ठे हो गए, होके हो गए रबता हो। हिलजुल नहीं मैंने आवाज़ आई है, मैं बाहर निकल के चैक किया, फिर मैं अंदर चला गया, फिर जो वापस आया ना आवाज़ आई है बंद नहीं, मैं इस तरह पूछा कौन है, उन्हें बुलट मारना शुरू हो गए, सीधे दरवाज़ा तोड़ के ना 3-4 बंदे तोड़ के सीधे अंदर आ गए, यार नाल बुला के बच्चों की बीवी की मिन्नत मसाजत करने रहे असी छोड़ दियो, मगर उन्हें किसी नहीं गल सुनी, भाई शोर नहीं आवाज़ सुन के बाहर निकले, मुड़ के उस तो बाद 5 मिनट मेरे घर रहे, मुड़ के भाई भाई ने घर चले गए, भाई ने घर तकरीबन 20-22 मिनट उन्होंने यरक बना के मारिया शारिया ने, इस तरह ने सिलसिला उन्होंने को जेवर काफ़ी अमाउंट से वो लैंड तकरीबन 12 बज के 5 मिनट टाइम से फोन मेरा लाया इस नौमी जिन्हें मसला बने पाई रहना, कहना कि बस इतना ही फायर, मैं हैलो की गल, कहना जी अपना डकेत आ गए, बस
उस तो बाद फोन इन्हें आन रहा है तो आवाज़ा बच्चा नहीं औरतान नहीं इन अपन मैं कोई एक मिनट तकरीबन फोन जरा आन रखे फिर मैं क्या कोई हल करने फिर उस फोन मैं कट छुड़े उस बाद लड़क ही फोन किया मैं गन्ना लैके डके तो थंदर वड़े इस बार लौट तो लड़के सारे आ गए मगर इस पास जाने नहीं सन कि किस पहले फायरिंग उन्हें बेबा की है इन्हें पिस्टल नहीं किए तो इन्हें को दगाना बहुत ज़्यादा तगड़िया सन फिर इस बार सारी कट्ठे पुलिस की फोन किया पुलिस भी आए तक 20-25 मिनट में मैक्सीम तकरीबन मैं रहे नहीं साढ़े 10:45 ना टाइम से परले घर आवाज पी आँदी मैं ना भाई ये टाइम ढेर है भाई मतलब जागदी भी दुनिया अपन भाई तो गल्लां बातां पे कर देन को अद्धा घंटा गुजरिया तो बंदे ने कंधी परती ना मेरे झाती पाई है मैं उन्होंने पूछा कौन है वह बंदे अंदर ढाड़ आए ने उन्होंने कोले सी असला मतलब उन्हें जो बुलट मारिया मेरे को शायद कौन सी मैं अंदर नठा मेरे को कुंडी नहीं लगी एक कर लगी दूसरी को नहीं लगी तो उन्होंने मार के धक्का तो अंदर वड़ गए ने तलाशी दो सोना दो जेड़े पैसे दो जेवर जो कुछ तुहाडे कोले है सारा कुछ कढ़ दो मैं उन्होंने आख्या जो कुछ तुहाडे मेरे कोले है ना सारा कुछ तुसी लै जाओ की खड़िया की खड़े ने मेरे को ते सी भांडा ठीक रहा सी जेड़ा खाण पीण दा समान सी ओही लै गए ने पर 1,20,000 रुपया खड़िया ने दरम्यान वाले चो उहदे ते अगे 10-12,000 रुपया उन्होंने को लै गए ने मोबाइल लै गए ने सोने दी अंगूठी लै गए ने आपको ये भी बताते चलें कि ये वकूआ कोई सिर्फ गुज़िश्ता रात को ही वकूअ पज़ीर नहीं हुआ गुज़िश्ता रात को खदरियाला और नरवाल में ये वारदातें हुई हैं उससे पिछले हफ्ता पूरा ये डाकू ने यहाँ पर चोरी डकैती का बाजार गर्म कर रखा है इस वक्त जो मुतासिरा लोग हैं वो थाना सदर सराय आलमगीर पहुँच चुके हैं और वो इंदराजे मुकदमा के लिए अपनी दरख्वास्त दे रहे हैं हम इस वक्त चलते हैं मुकामी SHO साहब की तरफ और उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है ये एक डेस्पिरेट गैंग है जब भी ये दाखिल होता है तो ये नुकसान तो करता है अभी अल्लाह का शुक्र है कि रात को भी पुलिस मौके पे पहुंच गई थी उस मुदई के बकौल ही के पुलिस के आने से हौसला भी हुआ और फौरन वो भाग गए और चूँकि हमारे जवान थोड़े थे इन्होंने मजामत काफ़ी की है लेकिन कामयाब नहीं हो सके रात को मैं और DSP साहब और लीड की टीमें पूरा सर्च ऑपरेशन करती रही हम किसी नतीजे पर पहुँच गए हैं इंशाल्लाह विद इन 2 डेज हम इसको राउंड अप करेंगे जो ये मुतासरा ख़ानदान है जिनके साथ ये वारदात हुई है इंशाल्लाह इनकी रिकवरी भी होगी और इनकी पूरी दादरसी होगी और इनको इंशाल्लाह एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे नाजरीन डाकुओं की ऐसी दलेराना वारदातें ये बात साबित करती हैं कि मुकामी पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात अपनी टीम के हमरा यहाँ का विजिट तो कर चुके हैं लेकिन अब देखना यह है कि ये जो मुतासिरा लोग हैं इनका माले मसरूका रिकवर हो सकेगा क्या इनकी अश्कजोई और दादरसी हो सकेगी इदारों को चाहिए कि अपनी जान मारकर इन डाकुओं का सुराग लगाएं ताकि अवाम खुद को महफूज तसव्वुर कर सके कैमरा टीम के हमरा अली अकबर न्यूज़ अलर्ट गुजरात